द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के केस में सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट से जमानत मिल गई। राहुल गांधी को ये जमानत 25,000 के दो बॉन्ड पर मिली है। सुल्तानपुर के ही स्थानीय दो लोगों ने उनकी जमानत कर ली है। 5 साल पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सुल्तानपुर कोर्ट में ये केस डाला गया। 2018 में अमित शाह को निशाना बनाते हुए राहुल ने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। राहुल गांधी ने ये बात जस्टिस लोया की मौत के संदर्भ में कही थी। स्पेशल कोर्ट के जज ब्रिजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस वक्त वे अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए थे। जस्टिस लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे। हालांकि लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को सामान्य बताया था। कोर्ट में आज उन्होंने सरेंडर किया। राहुल गांधी जी ने स्वयं को सरेंडर किया और माननीय न्यायालय ने उनको करीब आधे घंटे पौन घंटे कस्टडी में लेने के बाद उनकी जमानत अर्जी पेश हुई। जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उनकी जमानत मंजूर हुई है। आगे फर्दर वो डेट अभी नहीं लगी है, डेट लगेगी। राहुल गांधी जी के अधिवक्ता ने कहा कि हम निर्दोष हैं और इस तरह से हमने कुछ भी नहीं कहा है। हमने उस पर अपोच किया, अपना विरोध जताया और चूंकि जमानती अपराध है, धारा 500 IPC विलेबल ऑफेंस है, इसलिए उनकी जमानत मंजूर हुई है। नहीं, कोर्ट पे क्या, उन्होंने कोर्ट का रेस्पेक्ट किया, कोर्ट का रेस्पेक्ट करने है और उन्होंने अपना पर्सनल बांड दाखिल किया, अपनी सेवटीज दाखिल किया और उनको पर्सनल बांड और दो लोकल सेवटीज पे उनको रिहा किया गया है। आगे की डेट अभी नहीं आई है, आगे की डेट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मौत को सामान्य मानते हुए मामले की जांच SIT से कराने की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। अदालत में पेशी के लिए राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर अमेठी से सुल्तानपुर पहुंचे थे। पहले उनका प्लेन से जाने का प्लान था, मगर अचानक कार से जाने का फैसला किया। राहुल अब कार से ही अमेठी के फुर्सतगंज लौटेंगे और अमेठी से यूपी में 5वें दिन की न्याय यात्रा शुरू करेंगे। लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में बड़ी हलचल सामने आ रही है। महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति जोर शोर से हो रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां टूटकर BJP के साथ गठबंधन कर रही हैं। और खबर यह है कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे भी गठबंधन में शामिल होकर एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री बन सकते हैं। हाल ही में मुंबई BJP के अध्यक्ष आशीष शेलार और राज ठाकरे की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे BJP से हाथ मिला सकते हैं। BJP से हाथ मिलाकर वो शिंदे सरकार में मंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। ऐसे में राज ठाकरे अगर BJP के साथ आते हैं तो किसी को कोई अचंभा नहीं होगा। कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी राज ठाकरे को लेकर कहा था कि आपको जल्द पता चल जाएगा। खबर ये भी सामने आ रही है कि राज ठाकरे दिल्ली पहुंचकर BJP के केंद्रीय लीडरशिप से भी मुलाकात कर सकते हैं। राज ठाकरे और आशीष शेलार के बीच बंद कमरे में लंबी मुलाकात हुई और इसी दौरान राज ठाकरे को गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया गया। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से बयान आया कि राज ठाकरे और आशीष शेलार अच्छे दोस्त हैं और दोनों अक्सर मिलते रहते हैं। ये कहकर राज ठाकरे की पार्टी ने अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। हालांकि साफ नजर आ रहा है कि राज ठाकरे शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। उनकी पार्टी पिछले कुछ साल में खास नहीं कर पाई और कई साल से राज ठाकरे सत्ता से दूर हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए राज ठाकरे को सत्ता में शामिल होना जरूरी है।
राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि शेलार ने लोकसभा चुनाव कथित तौर पर मनसे प्रमुख को बीजेपी आलाकमान का एक संदेश दिया। किसानों ने सरकार की 5 फसलों को MSP में लाने की मांग को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि वो बुधवार को एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पर करीब 20,000 किसान जमा हैं, जिन्हें वहां रोका हुआ है। सरकार और किसानों की बैठक के बाद सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया था कि कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द, यानी 5 फसलों पर सरकार MSP देने के लिए राजी है। उनके ऊपर लंबी चर्चा हुई है, एक एक बात हमने कही है। MSP गारंटी कानून पर बहुत लंबा देर तक वार्ता हुई है, उसमें C2 50% के ऊपर भी हमने लंबी वार्ता की है। किसान मजदूर के कर्ज के ऊपर, इसके ऊपर भी सरकार कुछ ना कुछ ऊपर विचार विमर्श करना चाहती है। और जैसे जमीन अधिग्रहण कानून 2015 जो मॉडल एक्ट बना है, जिसमें से राज्यों को अधिकार मिल गया है कि किसान की जमीन अधिग्रहण करने समय किसान की मर्जी नहीं लेंगे, तो इसके बारे में भी सरकार चर्चा करेगी। किसान नेताओं का कहना है कि आपसी मंथन और एक्सपर्ट से बात करने के बाद उन्हें ये प्रस्ताव ठीक नहीं लगता, इसी वजह से उन्होंने इसे खारिज कर दिया। किसानों का कहना था कि जिन फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव सरकार ने रखा था वो पंजाब आधारित फसलें हैं, जबकि देश भर के किसान अलग अलग फसलें उगाते हैं जिन पर MSP लागू हो। किसानों का ये भी कहना था कि जिन फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव दिया गया था वो अभी भी लगभग MSP या उससे अधिक भाव में बिक गई हैं। जो फसलें MSP से नीचे बिक रही हैं उन फसलों को MSP में लाया जाए। जिन 23 फसलों पर पहले से MSP लागू है, किसान उन्हीं फसलों पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर MSP कानून बनाने की प्रमुख मांग कर रहे हैं। किसान ये नहीं चाहते कि उनकी पूरी फसल सिर्फ सरकार खरीदे, बल्कि किसान खुले बाजार में भी अपनी फसलों को बेचने पर न्यूनतम कीमत को लेकर गारंटी चाहते हैं। किसानों का कहना है कि MSP के नीचे उनकी फसल को सरकार, प्राइवेट कंपनियां या पब्लिक सेक्टर की एजेंसियां कोई भी नहीं खरीद पाए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी और TMC के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। ममता सरकार किसी भी विपक्षी नेता को संदेश खाली नहीं जाने देना चाहती, जबकि विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर BJP, वहां जाने के लिए आमादा है। संदेश खाली पहुंचने के लिए BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने मंगलवार को बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिंसा प्रभावित संदेश खाली जाने की इजाजत दी। इजाजत के साथ ही डिवीजन बेंच ने कुछ शर्तों पर शुभेंदु पर लगाई, जिसमें कहा गया कि शुभेंदु के साथ सिर्फ उनके सुरक्षाकर्मी ही हिंसा प्रभावित इलाकों में जा सकेंगे। शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंच चुके हैं, हालांकि रास्ते में उन्हें पुलिस ने एक बार फिर रोका था। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी सोमवार को शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार डिवीजन बेंच गई थी। आज डिवीजन बेंच ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई, जिस TMC नेता शेख शाहजहां पर रेप और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं वो अभी तक फरार है, पर कोर्ट ने नाराजगी इस पर जाहिर की। डिवीजन बेंच ने कहा कि शुरुआती तौर पर ये साफ है कि शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया और आरोप लगने के बाद वो फरार है। ऐसा लगता है कि वो पुलिस की पहुंच से बाहर है। सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी संदेश खाली गई थी। लोकसभा चुनाव के चलते BJP और TMC किसी भी मुद्दे को भुनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। BJP TMC पर आरोप लगा रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जबकि TMC कह रही है कि BJP धर्म की राजनीति कर पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तालिबान सरकार में उप विदेश मंत्री शेख मोहम्मद अब्बास सेनेकज़ई पाकिस्तान को 1971 की तरह बांटने की धमकी दे रहे हैं। इस धमकी के बाद पाकिस्तान आग बबूला है। तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। तालिबान पाकिस्तान से गिन गिन कर बदले ले रहा है।
पाकिस्तान ने जितनी तबाही अफगानिस्तान में मचाई उतनी कहीं नहीं मचाई, और पाकिस्तान की इसी नीति का दंश अफगानिस्तान आज तक झेल रहा है। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान में हमले करने वाले संगठन तहरीक तालिबान को अपने यहाँ शरण देता है। TTP के आतंकी पाकिस्तान में हमला करने के बाद अफगानिस्तान में शरण ले लेते हैं। हर रोज TTP पाक फौज और पुलिस के लोगों को मौत के घाट उतार देता है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो TTP के आतंकी दनदनाते घूमते हैं और पाक फौज वहां से भागती हुई नजर आती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने तो पाकिस्तानी सरकार और फौज की कोई रिट चलती ही नहीं है। यहाँ पर आतंकी राज्य सरकार के मंत्रियों से भत्ता वसूलती है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की क्या हालत होगी जहाँ पर आतंकी मंत्रियों से वसूली कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि TTP और बलूच लड़ाके पाकिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा कर उसे पाकिस्तान से अलग कर दें। हाल ही में बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने वहां के एक शहर पर हमला कर उसे कई दिन तक पाकिस्तान से अलग कर दिया था। तो श्रेष्ठ भारत शो में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।